चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। लॉकडाउन के समय में बस्ती का कैसा माहौल है? लोग मोदी जी ने बोला भाई घर में रहो, ठीक है वायरस है, लेकिन लॉकडाउन से पहले थोड़ा आदमियों को ये बता देते भाई अपना इंतजाम कर लियो तो कुछ और बेहतर होता। पर जैसे कि आर्थिक व्यवस्था भी ठीक नहीं है, अब तो अब गरीब आदमी है सारी कॉलोनी के, एक दूसरे तले काम कर रहे, जो सुबह कमा लेते शाम को खा लेते, बस ये चल रहा। किस किस तरह का काम करते हैं लोग? काम तो ये यहाँ पे कोई मजदूरी करे, कोई फेरी करे, कोई भट्टे पे चले जाओ, तो सबका काम बंद है। सबका काम बंद है तो सरकार ने कुछ व्यवस्था नहीं की ऐसे दिहाड़ी मजदूरों की इसकी? देखो ये दिहाड़ी में तो ये न्यूज पे बताया जा आगे 1,000 रुपये खत्ते में ट्रांसफर हो गए, लेकिन हमें तो लगता नहीं हमारी कॉलोनी में तो किसी का आया हो। सरकार को लगातार जांच कर रही है, लेकिन क्या आपकी कॉलोनी में दवाई का छिड़काव या आदमियों की स्क्रीनिंग या जांच शुरू हुई है उनके? यहाँ पर तो ये कोई नहीं स्क्रीनिंग हुई, ना जांच आई, ना ही छिड़काव आया। एक तो छिड़काव के लिए आया, वैसे भी नहीं आ रहे यहाँ पर तो अधिकारी। क्या कहते हैं, किसी ने बात की जाके कि ये दिक्कत है? भाई दिक्कत क्या, बाहर निकलती पुलिस लट पेला तो बाहर पैसे जाने लगे। एक दो लड़के भी गए थे यहाँ से, हमारे जो बड़े है थाने में, बस आश्वासन दे कर जाल आ गए थे, अब भाई आ जाएंगे फिर वे ना आए। जैसे इतने इतने दिन से मजदूरी नहीं लग रही, नहीं लग रही जी, और कहीं से कर्ज लिया है या कैसे, कि घर का काम कैसे चला रहे? शाम तो वगैरह का तेरे मेरे पता लेगा, भाई पड़ोसियों पता लेगा, काम कर लेना पड़े भूखे तो रह जाने का। सरकार ने कोई मदद की हो किसी तरह? ख्याल कुछ नहीं करी जी मदद, कहीं से राशन पैसे कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। कह रही है जुटू है वैसे ही, अगर खत्तों में पैसे आ रहे जी, खातों में जाएगा देखे कुछ भी नहीं आ रहा। सरकार कह रही है दिहाड़ी मजदूरों को हम 1,000 रुपया और 35 किलो राशन देंगे। बता रहे जी 35 किलो और नहीं आ रहा कुछ भी। तो यहाँ के राशन डीलर ने क्या कहा? भी 5 दिड़िया हुआ, 3 दिड़ी दिया है। क्यों अगर नाम नहीं चढ़ रहा? नाम है सर, नाम है सर जी। तो इसकी शिकायत नहीं की आपने? शिकायत क्या अगर लड़ भिड़ी लगे क्या जिबिन देने का क्या फ़ायदा लड़ाई करेगा? कितने लग रहे हैं पब्लिक लग रही थी इसमें तो एकदम कैसे कर लेंगे कटोर मालिक को नहीं आप मिलने पास्ता जी। मजदूर तो फेरी वाले उनका फेरी मर खत्म हो गया भी नहीं, कम दम एक भिन्ने लोग का ईद तक भी जाओगे नहीं, एक भिन्ने तक ढंग नहीं बैठने का जी। माँ अभी बारी हो जो बारी भीड़ ना लगो यहाँ। मतलब किस तरह की दिक्कत आ रही है इस बंद के दौरान? चीजों की परेशानी आ रही है, इनका जो पापा आए हुए बाहर काम पे, अच्छा वहाँ फंस रहे जी। और घर में कितने लोग हैं? 8-7 है जी खाने वाले बच्चे। अच्छा। 15 दिन हो ले जा रहे हुए तो जूके जू ठल्ली पड़े जब तक जा रहे। सरकार की तरफ से 1,000 रुपये कह रहे थे खत्ते में आने हैं, वो आए आपके? नहीं जी आए नहीं, आए नहीं, हम एंट्री करवा के कुछ नहीं आया। सिलेंडर विलेंडर जी सब खाली पड़ा, देख सारी चीज़ों की दिक्कत पड़ रही, परेशानी सारी चीज़ों की हो रही है। ये राशन मिला आपको और कहीं से भी राशन मिला है यहाँ पे बस्ती में? कहीं नहीं मिला, पहले आपने दिया जी बस। घर में क्या क्या दिक्कत हो रही है? घर में झोपड़ी पड़ी भाई, आग झोपड़ी पीछे आग छप्पर पड़ा बेवा हूँ, जाकर है ना तो अब अपने घर पे न्यारी हो रही सब, चिल्ली पकाऊ खाऊ कुछ भाई चली जाओ तो चल जाकर दिखाओ, चल दिखाओ तुम्हें। और जैसे सरकार कह रही है 1,000 रुपया देंगे, आया आपका कुछ अभी तक? मेरे तो अभी कुछ नहीं आना बेटा, मैंने खत्ते में देखा बाद। और कहीं से कोई सहायता नहीं हुई? ना इसलिए नहीं बेटा, पहले ही बूझ लाई तो है मेरा पोता यहीं से यही, पहले तो मैं दिन तब नहीं दिया बेटा। राशन कार्ड बन रहा आपका? हाँ उस पर मिल रहा है एक देड़ी, उसमें पूरा चल जाएगा काम? बस जो कुछ चलो जाना चलो बेटे, जो भी एक देड़ी दे में एक देड़ी बस वो कर लें।
इसके अलावा भी कोई कैसे राशन मिला आपको? आपका कुछ मजदूरी कार्ड मजदूरी कार्ड तो है जी, उन्होंने कहते थे फैल आए तो जी बिन मैं लिस्ट में नाम नहीं थे, बताओ उनका क्या करा। 1000 रुपए कह रहे थे सरकार, ऐसा कुछ नहीं आ रहा खत्तों में भी, 1000 रुपया भी नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ जी हमारा तो। फिर हमें तो जी सरकार के एक भी बात में दम नहीं लग रहा, हाँ गरीब आदमी बच पाओगे सारे ना लग रहा जी, हमें तो ना दिखा दे तो भूखे थी सारे मरने। सरकार कह रही कि जो लॉकडाउन हुआ ये बढ़ भी सकता है तो जी सरकार बताओगी बता लगी गरीब आदमी को तो मरना ही पड़ेगा, और उन्हें पूरे क्या करेंगे तमीज बताओ क्या खाएंगे, इन मिलेगा 10-15 दिन में इनमें क्या होगा, भूखे प्यासे बच्चे भी मरेंगे घर में बड़े भी हो रहे।